नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर और आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अकेले टैक अर्निंग और YouTube से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कि दोस्तों मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मेरा कम्युनिटी टैब इनेबल हो गया है। तो दोस्तों कम्युनिटी टैब इनेबल कैसे होता है, कैसा होता है कम्युनिटी टैब, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कम्युनिटी टैब को लेकर। कि दोस्तों अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपका कम्युनिटी टैब इनेबल कर दिया जाता है YouTube की ओर से। एक सप्ते लगभग 4 से 5 या एक सप्ताह लगभग टाइम लगता है, इनेबल कर दिया जाता है दोस्तों। तो इनेबल कैसे होता है और दोस्तों डैशबोर्ड जो हमारा YouTube चैनल का है उसमें कम्युनिटी टैब का मतलब कैसे दिखता है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपना चैनल को ओपन कर लेते हैं, दोस्तों वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना चैनल ओपन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं हमारा चैनल ओपन हो रहा है। दोस्तों यहां से आप डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं, दोस्तों डेस्कटॉप साइड हो चुका है देख सकते हैं दोस्तों आप। उसके बाद दोस्तों यहां से हम माय चैनल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, दोस्तों यहां से माय चैनल वाले ऑप्शन पे गए और दोस्तों यहां से जैसे ही ऑप्शन खुलेगा तो यहां पे दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो बीटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, दोस्तों हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात, यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो हमारा पोस्ट का आइकन दिख रहा है, दोस्तों यहाँ पे पहले कोई आइकन नहीं दिखता था, यहाँ पे अपलोड और लाइव स्ट्रीम का ही आइकन दिखता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा कम्युनिटी टैब ओपन हो चुका है। दोस्तों यूट्यूब की ओर से एक हमें ईमेल भी आता है कि दोस्तों आपका कम्युनिटी टैब इनेबल कर दिया गया है 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। और दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि ईमेल कोई कारण से नहीं भी आता है, फिर तो दोस्तों हमारा कम्युनिटी टैब अपने चैनल के डैशबोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं ये शो कर रही है, जो हमारा ये जो कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है यहाँ पे खुल चुका है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यूट्यूब ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब कुछ इस तरह से ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ चुका है पोस्ट का, और दोस्तों मेरा चैनल का जो माई चैनल है वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुका है और कम्युनिटी टैब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे पोस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, यहाँ पे लिंक और यहाँ पे दोस्तों कोई भी वीडियो और यहाँ पे कोई भी मैसेज हम अपने फैंस के पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टू यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कम्युनिटी टैब का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका कम्युनिटी टैब भी ओपन इनेबल कर दिया गया होगा यूट्यूब की ओर से तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे से हेलो टू योर कम्युनिटी टैब ऑन दिस हैज़ रिप्लाइड द डिस्कशन टैब, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स को हेलो या अपने सब्सक्राइबर को कुछ भी यहाँ पे दोस्तों आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से फिर हम बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों कम्युनिटी टैब का ऑप्शन कुछ इस तरह से होता है। अब दोस्तों बारी आती कम्युनिटी टैब पे हम कैसे कोई भी पिक्चर पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो मैं आज को आपको कम्युनिटी टैब पे कैसे पोस्ट करते हैं ये नहीं बताऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बताऊँगा, दोस्तों आप भी मेहनत करो। देखिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मेरा कम्युनिटी टैब भी ओपन हो गया। एंड दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करो, दोस्तों मैं आने वाले वीडियो पे बनाता रहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता हो। उसके बाद दोस्तों आने वाले वीडियो में आपका चैनल का भी प्रमोट करूँगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो या वीडियो में कोई भी कमी हो तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो दोस्तों वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।